थोड़ी देर के लिए अपनी मनोवृत्तियों को काबिल करते हैं। बड़े प्रेम से जय घोष कीजिएगा। सभी सुन रहे हैं क्या जो लाडवा के अंदर श्री गुरु महाराज विराजमान हुए, ये सब जीवों के पुण्य भाव होते हैं जब ऐसा अवसर जीवन में मिलता है। अभी चंद्र भाई साहब ने सुनाया जो शंकर भगवान जी जब धरा पर आए तो एक खंडर को नमस्कार किया तो पार्वती के पूछने पर उन्होंने कहा कि यहाँ पर बहुत समय पहले किसी संत महापुरुष ने भजन बंदगी की है। तो कहते हैं कि ये आश्रम ऐसे ही नहीं बन जाते, ये महापुरुषों को उस धरती की पुकार होती है जो केवल महापुरुष ही सुन पाते हैं उस आवाज को। तो गुरुदेव भगवान ने कृपा की जो आज लाडवा के अंदर श्री महाराज जी ने अपना स्थान बनाया, बहुत बहुत बधाई है। कहते हैं ये गुरु कृपा ही तो होती है, जब जीव को पुण्य कर्म बनाने का एक स्थान मिल जाता है। देखिए पुराने भक्त हैं सब अपने घरों में करते होंगे, लेकिन एक आश्रम बनने पर हमें और भी एक नई उत्तेजना ऊर्जा मिल जाती है। कहते गुरु चरणों के अंदर आकर एक ऐसी पावर जीव को मिलती है, लेकिन भाव कैसा लेकर आना है, जैसे बोलते ना दर पर भले बुरे सब आए आशा पूर्ण होकर जाए, ये भाव कौन सा लेकर आए हो ये आप पर डिपेंड रहता है। गुरुदेव भगवान तो रहमतों को लुटाने के लिए तो आए हैं, इस धरातल पर उनका आना ही इसीलिए होता है कि सोए हुए जीवों को जगाने के लिए जगह जगह परिणाम के डिपो खोले जाते हैं। जितना तुम्हें लेना है तुम अपने कैसे क्या लेना है ये आप पर डिपेंड होता है। कहते कोई शख्स कहीं जा रहा था, रास्ते में एक बोर्ड पड़ा, उस पर लिखा हुआ था इसलिए दुकान। मन के अंदर एक जिज्ञासा पैदा हुई ईश्वर की दुकान, जाकर देखे तो सही वहां पर क्या मिलता है। कहते हैं जब हमारा कदम उस तरफ बढ़ता है तो जिज्ञासा बढ़ती है तो भगवान की कृपा हमारे पर होनी शुरू हो जाती है। तो जब वो शख्स उस दुकान की तरफ बढ़ा तो जहां पर लिखा हुआ था ईश्वरीय दुकान, तो पहुंचते ही दरवाजा खुद ब खुद अपने आप खुल गया, क्योंकि जिज्ञासा बढ़ी, सतगुरु की कृपा हुई तो दरवाजा खुला और उसकी एंट्री दुकान के अंदर हुई। क्या देखता है वहां पर देव भीत खड़े हुए हैं। तो उसने कहा भाई, क्या पूछने लगा कि यहाँ क्या क्या मिलता है। उन्होंने कहा कि यहाँ सब कुछ मिलता है, यहाँ ये टोकरी ले जाओ, जैसे देखकर सुनते हो कि आजकल मॉल में भी जाकर जो जो चीज पसंद आ जाती है हम इकट्ठी करते रहते हैं, फिर आकर काउंटर पर बिल बनवाते हैं। ये टोकरी है, इसको जो जो भी चीज तुझे पसंद आए वो लेता जाना, भरते जाना, अगर टोकरी भर जाए तो दोबारा भी इच्छा होगी तो दोबारा टोकरी भी मिल जाएगी। लेकिन लेना जरा सोच समझ कर, सब कुछ मिलना मिलता है यहाँ पर, लेना क्या है ये तुमने सोचना है। सबसे पहले कोई कहते ना कोई पुण्य आत्मा होगी जिसको जिसकी एंट्री इस दुकान के अंदर हुई, सबसे पहले उसने धीरज देखा, धीरज को उठाया टोकरी में डाल लिया, फिर पवित्रता देखी, पवित्रता को टोकरी में डाल लिया, आगे थोड़ा गया तो विवेक के डिब्बे पड़े हुए थे, कुछ विवेक भी रख लिया कि जीवन में ये भी काम आता है, और आगे देखा तो प्रेम शक्ति
ये सब कुछ रखता गया, हिम्मत, प्रार्थना, सहनशीलता, इससे उसकी टोकरी भर गई। काउंटर पर आया, ये इसका बिल भाई कैसे अदा करना है, कितना बिल बना मेरा। तो कहने लगे देवदूत, कहने लगे किसका बिल भी ईश्वरीय ढंग से अदा होता है, तो तुमने इतना कुछ ले लिया, अब इसको तुमने कैसे बांटना है आगे। ये जो जैसे जैसे तू आगे बांटेगा ना, तेरा बिल अपने आप अदा होता चला जाएगा। तो ये सत गुरुदेव भगवान ने ये हमारी एक ईश्वरीय दुकान खोली है। अब आप लोगों ने आकर क्या क्या लेना है इस पर, ये हमने सोच समझ कर एक पवित्र भावों से हमने इस दरबार के अंदर आना है। सतगुरुदेव भगवान तो हमारे भंडारे भरपूर करके बैठे हुए हैं, वो तो रमता लुटाने के लिए ही आए हैं। अब आपने क्या क्या लेना है इस दुकान पर आकर, ये आप पर डिपेंड होता है। देखिए, एक सत्संग का आपको एक साधन मिला है, श्री गुरु महाराज जी का गुणगान करने का मौका मिला है ऐसे स्थान पर आकर। आप सबका धर्म बनता है कि अब हमारी जो बाकी जीवन है, हम सत्संग के साथ, संतों के साथ, सतगुरु के साथ जुड़कर ऐसी ईश्वरीय दुकान से कुछ अच्छी अच्छी चीजें लेकर घरों में जाएं, ताकि हमारे आगे भी जो है उन बच्चों को अच्छे संस्कार मिल सके। यही ईश्वरीय ढंग है उसको आगे इसका बिल अदा करने का। तो गुरु महाराज जी ने आप सब पर बहुत कृपा की है, और ऐसी दुकान भाग्यशाली जीवों को ही मिलती है। आप जो भी सत्संग का दिन रखा जाएगा जरूर आकर लीजिएगा। जो गुरु महाराज जी के चरणों में बैठकर आनंद लेता है, उसके तो आगे के आगे दरवाजे खुद ब खुद खुलते चले जाते हैं। ये आपने देखना है कितना समय हमें श्री चरणों के अंदर बैठकर लगाना है।